दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया को, जिनको एक झूठे केस में नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम रंग बदलती राजनीति में। आज बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर। जी हां, तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल लगातार जेल से बाहर आने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया को राहत मिल जाती है, अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरीके की अभी राहत नहीं मिली है। लेकिन ऐसे में अंदेशा लगाया जा रहा है कि अब आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो कम हो सकती हैं और अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर आ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर ईडी सीबीआई को झटका तो लगेगा ही, साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं मुश्किल में पड़ सकती है। क्योंकि इसके पहले आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बार दिल्ली की सत्ता में काबिज होने के लिए पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही थी, लेकिन इस एक्शन के बाद, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदों पर पानी फिर गया। वहीं अरविंद केजरीवाल आतिशी मार लेना को जिस तरीके से आगे करते हुए नजर आए थे, अब क्या मनीष सिसोदिया के आने से वो सारे चुनावी समीकरण या फिर पार्टी के समीकरण बिगड़ जाएंगे या बदलते हुए नजर आएंगे, इस पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, हमारे साथ आश्रुति मौजूद है। आश्रुति, क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से आतिशी मार लेना को आगे किया था, अब मनीष सिसोदिया आ गए हैं तो क्या चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, दिल्ली की सियासत में एक बहुत बड़ा बदलाव है माही, कि मनीष सिसोदिया को 17 महीनों के बाद एक बार जमानत मिलना और कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया का सुप्रीम कोर्ट से ना केवल ईडी बल्कि सीबीआई के मामले में भी उनको कहीं ना कहीं पूर्ण रिहाई मिल जाना, ये बड़ी खबर है और ये एक बहुत अहम खबर है राजनीति के नजरिए से। क्योंकि दिल्ली में आप देखिए 2025 में जो आम आदमी पार्टी के लिए एक मुख्य अवसर है, एक प्रमुख अवसर है, दिल्ली में विधानसभा चुनाव है एक बार फिर से, और विधानसभा चुनाव में ना तो कोई चेहरा था चुनाव प्रचार के लिए ना तो कोई रणनीति थी। अब चेहरा भी है और रणनीति भी है, क्योंकि रणनीति के साथ साथ मनीष सिसोदिया राजनीति भी करते नजर आएंगे। 17 महीनों के बाद बाहर आना, कहीं ना कहीं जेल में बैठकर जिस हिसाब से पूरे 17 महीने तैयारी कर रहे थे मनीष सिसोदिया, आप वो तैयारियों को पूर्ण करने का समय उनके पास आ चुका है। और इसी बीच आप देखिए आतिशी मार लेना का, जैसे आपने जिक्र करा, अरविंद केजरीवाल ने आतिशी के लिए निर्देश जारी किए थे कि 15 अगस्त को आतिशी मार लेना राष्ट्रीय ध्वज फहराती नजर आएंगी। देखिए, यह बहुत बड़ा ऐलान था कहीं ना कहीं, लेकिन इसी ऐलान के साथ साथ अब मनीष सिसोदिया के पक्ष में हो सकता है। इसलिए हो सकता है क्योंकि आतिशी मार लेना का अगर आप जिक्र करें तो आतिशी कहीं ना कहीं इस वक्त आम आदमी पार्टी के 18 पदों को संभालती नजर आ रही है, लेकिन उसी के साथ साथ आतिशी मार लेना जो इस वक्त भावुक होती नजर आई, उस भावुक होने का जो उनका कहीं ना कहीं एक अंदाज दिखा, उससे तमाम बड़े मुद्दे उठ सकते हैं। क्या आतिशी मार लेना सच में मनीष सिसोदिया के बाहर आने से खुश है? क्योंकि अगर आप दिल्ली की सियासत की बात करें तो इस वक्त अरविंद केजरीवाल का ये बड़ा ऐलान कर देना, ये बड़े निर्देश जारी कर देना कि आतिशी राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगी, अगर नियमों की बात करें तो हर बार हर साल 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज फहराने की जो जिम्मेदारी होती है मुख्यमंत्री की होती है, एक राज्य के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी को वो पूर्ण करता हर साल हर वर्ष नजर आता है 15 अगस्त को, और इस बार आतिशी के हाथों ये जिम्मेदारी देना, क्या आतिशी मार लेना आने वाले समय में मुख्यमंत्री बन सकती है, ये वो तमाम बड़े सवाल लगातार उठते नजर आ रहे थे। अब हो सकता है इन सवालों पर कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लग जाए, क्योंकि मनीष सिसोदिया का जिस हिसाब से 17 महीनों के बाद उनको रिहाई मिली है, हालांकि आप देखें तमाम अभी भी ऐसे औपचारिक काम है जो उनको हर हफ्ते करते नजर आएंगे, जैसे हर हफ्ते आप देखें उन्हें पुलिस थाने जाना पड़ेगा, उनकी जो दलीलें उनके खिलाफ चलती नजर आ रही थी उन दलीलों पर एक बार फिर से बातचीत हर हफ्ते होती नजर आएगी, पुलिस थाने के कहीं ना कहीं चक्कर काटते हैं सिसोदिया जरूर नजर आएंगे, लेकिन तब भी आप देखें जो उजाले का इंतजार वो लंबे समय से कर रहे थे, अब वो उजाला कहीं ना कहीं उन्हें एक बार फिर से देखने को मिला है। आतिशी के बारे में अगर देखें चर्चाएं करें तो कहीं ना कहीं आतिशी मार लेना को इस समय अगर अरविंद केजरीवाल जेल से बैठकर ऐलान करते भी है कि आतिशी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनेंगी, इसका देखिए बड़ा कारण यही होगा क्योंकि आतिशी मार लेना पर इस वक्त ना तो ईडी का कोई शिकंजा है ना तो सीबीआई का कोई शिकंजा है, और जब मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठेंगी तो ना तो ईडी उन्हें बख्शेगी ना सीबीआई उन्हें बख्शेगी। राघव चड्ढा की बात कर लीजिए तो राघव चड्ढा राजनीति से पहले ही इतने दूर हो चुके हैं कि कहीं ना कहीं केवल इस बार आप इस वक्त उन्हें संसद में भाषण देते नजर आते वो दिखाई देंगे, और आप देखिए कोई भी राजनीतिक कार्य में राघव चड्ढा इस समय मौजूद नहीं है। संजय सिंह अभी ही ईडी और सीबीआई की गिरफ्त से हाल ही में बाहर आते नजर आए हैं, कमान अभी ही आम आदमी पार्टी की संभाली, और अब मनीष सिसोदिया
का कहीं ना कहीं बाहर आना। देखिए अब नजरें जो है वो अरविंद केजरीवाल पर है माही, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सिटिंग सीएम है। अगर सिटिंग सीएम कहीं ना कहीं बाहर नहीं आएंगे तो अपनी गद्दी उन्हें छोड़नी पड़ेगी। ये कहीं ना कहीं देखा जो ये मामला है, ये कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के मामले से पूरी तरह से आप इसको मेल खाती देख सकती है कि जब हेमंत सोरेन को ऐसा लगा था कि अब उन्हें मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़नी पड़ेगी तो चंपई सोरेन के हाथ उन्होंने कमान सौंप दी थी। लेकिन जब वो बाहर आए, एक बार फिर से हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन से कमान ली और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते नजर आए थे। लेकिन आप देखें अब की जो स्थिति है दिल्ली में, और सबसे बड़ी बात केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, राजधानी है दिल्ली, जिस दिल्ली में आज तक भारतीय जनता पार्टी ने एक बार भी अपना प्रश्न नहीं लहराया, उसी बीजेपी की कहीं ना कहीं आप देखें वही बीजेपी इस बार तैयारी कर रही थी दिल्ली में साख जमाने की। लेकिन आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं अब जो वापसी धीरे धीरे करती नजर आ रही है, एक बड़ी राहत है ना केवल आम आदमी पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, सिसोदिया के परिवार के लिए। क्योंकि सीमा सिसोदिया की अगर बात करें तो मनीष सिसोदिया की जो पत्नी है उनका स्वास्थ्य पहले ही गंभीर है, अपने गंभीर स्वास्थ्य को लेकर कहीं ना कहीं चिंतित भी रहती है। खुद मनीष सिसोदिया चिंतित रहते हैं कि आखिर उनके स्वास्थ्य को लेकर कैसे जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी करते नजर आए। हालांकि अब देखिए जो स्थिति बन चुकी है दिल्ली में, आने वाले समय में अब केजरीवाल की रिहाई के लिए ही जो चर्चाएं हैं वही लगातार तेज रहने वाली है। जी बिल्कुल, ऐसे में अब कहीं ना कहीं आतिशी मार लेना जो मुख्यमंत्री के करीब जाती हुई नजर आई थी, अब उस पद से वो दूर जाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि आज वो सिसोदिया को लेकर भावुक हो जाती हैं, पहले आप उनकी ये वीडियो देखिए जरा, क्या कुछ कहते हुए नजर आती हैं और किस तरीके से भावुक हो रही हैं। और आप सबको आज शानदार स्कूल खोलने के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन आज इस स्कूल पे बधाई देने से पहले, इस स्कूल के बारे में बताने से पहले, मैं ना सिर्फ इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता को, बल्कि मैं दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले हर बच्चे और उनके माता पिता को बधाई देना चाहती हूँ। क्योंकि आज के इस शुभ अवसर पर दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया को, जिनको एक झूठे केस में सत्रह महीने तक एक झूठे केस में फंसाकर जेल में रखा गया। आज का दिन भारत के इतिहास में, भारत की शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में जाएगा कि उस शिक्षा क्रांति के जनक की आज बेल हुई, आज सच्चाई की जीत हुई, शिक्षा की जीत हुई, दिल्ली के बच्चों की जीत हुई। मनीष सिसोदिया जी, और जिस दिन मनीष सिसोदिया जी की बेल हुई, आज उन्हीं के द्वारा एक स्कूल जिसका उनके द्वारा शिलान्यास हुआ था, आज उसका उद्घाटन हो रहा है। तो एक जोरदार जयकारा मनीष सिसोदिया जी के लिए लगाएंगे। मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया। तो देखा आपने, कहीं ना कहीं आतिशी मार लेना को इस बात का दुख भी हो सकता है और खुशी भी हो सकती है कि अब मनीष सिसोदिया बाहर आ गए हैं, पार्टी को एक नई ऊंचाई मिल सकती है। वहीं इस बात का दुख हो सकता है कि अब वो सीएम पद की जो रेस से कहीं ना कहीं बाहर होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन उसके साथ ही अगर आश्रुति देखा जाए तो कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ गए, अरविंद केजरीवाल के बाहर आने की उम्मीद है। और अगर उम्मीद है तो क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी कम कर सकती है?
देखिए कमबैक करना जरूरी है, वापसी करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप इस बार भी वापसी नहीं करेंगे तो आप समझ लीजिए कि या तो गठबंधन की सरकार बन जाएगी दिल्ली में, या फिर भारतीय जनता पार्टी एक हाथ एक बार विधानसभा चुनाव भी ले जाएगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो अपना झंडा गाड़ ही चुके हैं। अगर विधानसभा चुनाव दिल्ली में बीजेपी जीत गई तो स्थिति पूरी तरह से बदल सकती है। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए अब जो कहीं ना कहीं एक कहें तो एक खुशी की लहर जो धीरे धीरे अब दौड़नी शुरू हुई है, अगर आप देखें तो एक किरण जो कहीं ना कहीं दिखी है, उम्मीद की किरण जो कहीं ना कहीं दिखी है, इसको कायम रखना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल के लिए भी अब मनीष सिसोदिया को बाहर बैठकर जद्दोजहद करनी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि सिसोदिया रिहा हो गए लेकिन केजरीवाल के लिए उनके खुद के ही मंत्री, उनके खुद के ही सांसद कोई बाहर बैठकर मेहनत नहीं करते नजर आए, जद्दोजहद नहीं करते नजर आए, क्योंकि मनीष सिसोदिया का बाहर जाना कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए तो बड़ी राहत है, क्योंकि अब एक चेहरा मिल चुका है। अगर आप एक तरह से देखें तो कहीं ना कहीं एक टीम प्लेयर मिल चुका है। मनीष सिसोदिया की वापसी अपने मंत्रियों के बीच बहुत बड़ी बात सामने आई है। और इसी बीच अगर सिसोदिया केजरीवाल की रिहाई चाहते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं तमाम ऐसे सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे जो अरविंद केजरीवाल जेल में बैठकर जिन सबूतों को खंगालें। और अगली सुनवाई जो 20 अगस्त की सुनवाई है, 20 अगस्त की तारीख अब देखने लायक है। इसलिए देखने लायक है क्योंकि अगर 20 अगस्त को मनीष सिसोदिया ऐसे तमाम सबूत केजरीवाल के हाथों सौंप देते हैं तो अरविंद केजरीवाल की रिहाई भी हमें 20 अगस्त को देखने को बिल्कुल मिल सकती है। और अगर केजरीवाल रिहा हो गए तो आप समझ लीजिए आम आदमी पार्टी को दिल्ली में सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। जी बिल्कुल, ऐसे में अरविंद केजरीवाल का जो सीएम पद का अभी अवधि है वो 6 महीने बची हुई है। ऐसे में तमाम सबूत है जो उनके खिलाफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर वो तमाम सबूत केजरीवाल के पक्ष में आ जाते हैं तो जाहिर तौर पर उनको बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। ऐसे में आम आदमी पार्टी को एक खुशी के कहीं ना कहीं मौके पर देखा जा सकता है कि अब केजरीवाल जिस तरीके से जेल में बंद है बाहर आते हैं तो मनीष सिसोदिया की तरह भी उनको बड़ी जीत का सामना करना पड़ेगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगेगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि मनीष सिसोदिया की तरह क्या केजरीवाल भी जेल से बाहर आएंगे या फिर अभी जेल में ही रहना पड़ेगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।